तिरची पहाड़ों के बीच बसा पहाड़ों का महानगर है। इस चोटी पर बैठे गणेश सब पर अपनी कृपा रखते हैं। चर्च, मस्जिद, सभी धर्म के लोगों का शहर, अपने धर्म में लीन रहने वाले एकजुट भाईचारे की तरह रहते हैं। आप इसे कई विद्वान वैज्ञानिकों वाला शहर भी कह सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी इसी शहर से पढ़े लिखे थे। देखने में सुंदर और शांत रहने वाला ये शहर एक खतरनाक शहर भी है। इसके खतरनाक होने की इसकी कोई प्राकृतिक वजह नहीं है। हमारी नज़र से बेखबर इस शहर में गुंडागर्दी बढ़ रही है। दो ग्रुप के बीच होने वाले गैंगवार में उनके उठाए हथियार से जो खून बहता है वो हमारी आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन कहीं दाग रह जाता है। उसी दाग और उसमें फंसे एक प्रेमी जोड़े की कहानी है ये। सुनिए, चाय पियेंगे या कॉफी? रुको ना, कविता को तो आने दो। बेटी को सर पे चढ़ा रखा है जैसे दुनिया में इनकी ही इकलौती बेटी है। ए, बस स्टॉप पे 10 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? एक 10 मिनट हो तो रुको, तुम्हारे 10 मिनट खत्म होते हैं। अरे दोस्तों से बात कर रहा था, वो छोड़ते तभी तो आता। ए, तुम्हें जो भी बातें करनी है अंदर आकर करो, सड़क पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। पापा, कॉफी पियेंगे या फिर चाय पियेंगे? क्या पिलाओगे बेटा? कॉफी। पापा, तू ही पूछ ले। कोई बात नहीं, तू ही पूछ ले। तू ही तो सीधे सीधे पूछेगी ना, पूछ। हाँ। पापा, ये सहाय कौन है पापा? हे भगवान। किस सहाय के बारे में पूछ रहे हो? वो सहाय ही तो त्रिची का सबसे बड़ा गुंडा है ना पापा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन जब कॉलेज गया तो कॉलेज में कोई भी बात होने पे सब उसी की चर्चा करते हैं। जब उसके बारे में पूछा तो पता चला कि पूरे शहर पे राज करता है वो, लेकिन वो दिखता कैसा है उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। ना कोई फोटो है, ना पेपर में नाम है, और तो और आज तक किसी पोस्टर में भी नहीं दिखा। ए, तुम्हें कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजा है ना, तुम फालतू की बातों में अपना ध्यान क्यों लगाते रहते हो? लेकिन पापा वो। हे चुप कर, पढ़ने की उम्र में गुंडों की बातें करता है तू। किस तरह की बातें करता है? हाँ, हाँ तुम बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? कुछ नहीं पापा। डर क्यों रही हो, बोलो क्या बात है? वो पापा, मैं भी सहाय के बारे में ही। एक्चुअली अगर बॉयज कॉलेज है तो वहाँ गुंडों की बातें करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमारे कॉलेज में भी लड़कियाँ उसी के बारे में बात करती हैं। इतना बड़ा गुंडा है क्या वो? आपने कभी उसे देखा है क्या पापा? जो मैंने उससे कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया? नालायक। बोलिए मंत्री जी। अरे सहाय, कहाँ हो तुम? मंत्री जी मैं घर पर हूँ, मेरा नाम लेकर मत पुकारिए। तिरछी में तुम्हारे नाम को लेकर क्या क्या चर्चा हो रही है पता है तुम्हें? और तुम कहते हो कि? मंत्री जी, दरअसल मैं अपना नाम बच्चों से छुपा कर उन्हें एक अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, सही कह रहे हो। अच्छा अभी काम क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं, बोलिए ना। एक जरूरी बात है, सूर्यनगर में मेरी पुरानी फैक्ट्री पर आ सकते हो क्या? हाँ आ जाऊंगा। हाँ और एक बात, तुम अकेले ही आना, बात थोड़ी पर्सनल है। आपने कह दिया, मेरे लिए इतना काफी है, अकेले ही आऊंगा। कविता। हाँ पापा। जरा मेरी शर्ट लेकर आना। अगर तेरी माँ को बता दिया ना तो वो मुझे जाने नहीं देगी। मेरे जाने के बाद उसे बता देना। ठीक है पापा। जा रहा हूँ। अब तक तो सहाय निकल ही चुका होगा। निकल गया होगा सर। मलाबार के शंकर को जरा फोन लगाओ। शंकर। मंत्री जी बोलिए। सहाय आधे घंटे के अंदर सूर्यनगर की पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाएगा। आजकल तिरछी शहर में
सिर्फ उसका ही राज चलता है। अगर तू चाहे तो कल से तू राज कर सकता है। सहाय अकेले ही आ रहा है। सावधानी से काम करना, ध्यान रखना कोई सबूत ना रह जाए। मैं देख लूंगा। हाँ धन्यवाद मंत्री जी, आप उसे मरवाएंगे सोचा नहीं था। वो सब छोड़ो, सहाय को नीचे से ऊपर ले जाने वाला मैं ही हूँ। पिछले हफ्ते बिना मुझे बताए विपक्षी पार्टी के MLA से मिलकर आ गया। हिम्मत बढ़ गई है उसकी, उसे लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसे ही नहीं मरवा रहा हूँ शंकर, कल अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना तुम। क्या करूं? तिरची में अकेले राज करने की आदत पड़ गई है मुझे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। रहने तक जिंदा रहोगे। बोलो भाई। रवि कहाँ हो तुम? चेयरमैन शेर खान के पास हूँ। ओ ठीक है ठीक है, तुम वहाँ मीटिंग में हो क्या? बोलो ना क्या बात है भाई। अरे वो मंत्री जी ने फोन करके सूर्यनगर की पुरानी फैक्ट्री में अकेले मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ आया तो कोई भी नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हो भाई? परेशान होने की बात नहीं है, मैं देख लूंगा। हाँ अगर साथ में कोई लड़का हो तो उसे भेज देना यहाँ पर। ए, भीमा को फोन लगा। तुमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। तुमने कहा था जब तक तुम जिंदा हो मुझे कोई नहीं पूछेगा। सच बात है, तुम्हारे जीते जी मैं अब तक कुछ नहीं कर सका। हफ्ता वसूली से लेकर रियल एस्टेट के सारे फैसले तेरी जेब में थे और यहां पर तुझे अगर मैं यहीं मार दूं उसके बाद सब मेरा होगा ना। तुझे वहां से मार सकता था लेकिन तेरी आंखों में मौत का डर मैं करीब से देखना चाहता था, इसलिए अभी भी तुझे डर नहीं लग रहा? मैं तेरे सामने खड़ा हूं शंकर। जब तूने गोली चलाई थी तभी समझ गया था मैं कि आज के दिन मुझे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। हां यह बात सच है कि मरने से पहले सहाय की आंखों में डर नहीं है क्योंकि सहाय ने शेर की जिंदगी जी है। डरपोक गीदड़ की नहीं, डर तो मुझे तेरी आंखों में दिख रहा है। क्यों शंकर, मैं सच कह रहा हूं ना? बता, डर से तेरी फट रही है ना? अपना टाइम खराब क्यों कर रहा है? हाँ
गन हाथ में है, चलाना गोली। अरे ये देखो, सहाय मरने के बाद भी खड़ा है। जब भाई घर पर होते थे तो माथे पर टीका लगाकर पूजा पाठ करते रहते थे, जब बाहर जाते थे तो सबसे पहले टीका हटाते थे। मैंने कई बार पूछा तो उन्होंने बताया कि धंधे में उतरो तो अपने पर भरोसा रखो, पूजा पाठ पर नहीं। इतने भरोसे वाले इंसान थे, पर आज वो हमारे बीच नहीं है। सब कुछ अचानक हो गया भाई, देखा वक्त कैसे बदलता है। आइए। सहाय भाई ने जो वाइस चेयरमैन का असाइनमेंट किया था उसके दिए हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, चाकू पकड़ने वाले रोया नहीं करते हाँ? आज के बाद जितना भी काम होगा उसे शंकर ही पूरा करेगा। तुम लोग मुझे गलत मत समझो, ये फैसला मेरा नहीं है, आवाज सिर्फ मेरी है, मैंने जो सुना वही कहा, फैसला वाइस चेयरमैन का है, समझ गए? भाभी ये सारे पैसे भाई के हैं, आप जितना चाहे उतना रख सकती हैं, बाकी की औरों को दे दीजिएगा। नहीं हमें नहीं चाहिए। आपको क्या लगा कि भाई नहीं है तो हम लोग आपको भूल जाएंगे? भाई मरे नहीं है, वो बस बाहर गए हैं, बोल के गए हैं कि याद रखना रवि मेरे परिवार का और बच्चों का आज के बाद तुम ध्यान रखोगे, बस उनका हुक्म मान रहा हूं, इतना तो करने दो। भाई चाहे कहीं भी रहें उनका हाथ मेरे सर पे रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं भाई का वफादार रहूंगा। सर बैठो, अब बोलो। सर आईएस ने जांच पड़ताल करके पक्की खबर भेजी है, सहाय का मर्डर करने वाला मलबार का शंकर ही है। लगता है कानून अपना काम करने जा रहा है। कहां पर हो विजय? उस गुंडे सहाय की मौत का क्लू मिला है सर,
उसी से रिलेटेड एक को अरेस्ट करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। इस केस को इतना डीपली मत लो तुम। ये क्या कह रहे हैं सर आप? इस वक्त पूरा शहर इस मर्डर की बात कर रहा है। अगर हमने ढील दे दी तो पब्लिक क्या सोचेगी? तुम उसे अरेस्ट करोगे तो पुलिस की वाहवाही होगी। क्या विजय, समझे नहीं क्या? ऊपर से ऑर्डर है, समझा करो। ये सब मरने वाला कोई स्वतंत्रता सेनानी तो था नहीं, गुंडा ही था ना। हम उसे मारते, इससे पहले ही वो आपस में एक दूसरे को मारकर मर गए। चुपचाप बैठकर सिर्फ तमाशा देखो। भैया एक चाय और एक बिस्किट। भीमा, तू और मैं बचपन के दोस्त हैं। हमने 3 साल पहले तय किया था इस शहर पर तू राज करेगा या मैं राज करूंगा। तू सहाय के पास चला गया और मैं शंकर के पास। कल तक यहां का राजा सहाय था, अब उसकी जगह यहाँ पर शंकर का राज चलता है। लेकिन शंकर ज़्यादा दिन जीने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द रवि उस शंकर का खात्मा करने वाला है। शंकर के बाद गैंग का राजा मैं बनूंगा। मौका देखकर तू उस रवि का खात्मा कर दे। शंकर के मरने के बाद ये गैंग मेरी हो जाएगी। तू किसी तरह एक बार सही मौका देखकर इस रवि को अपने रास्ते से हटा दे। उसके बाद हम दोनों फैसला करेंगे कि इस पूरे शहर पर तू राज करेगा या फिर मैं राज करूंगा। तूने मुझे विश्वासघाती समझ रखा क्या? चाकू कैसे पकड़ते हैं और उसे चलाया कैसे जाता है, ये सारी बातें सिखाने वाले रवि भाई ही थे। रवि भैया के रहते मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। और हाँ, रवि भाई को मारकर यहाँ कोई भी राज करने की सोचेगा, चाहे वो तू हो या कोई और या फिर शंकर हो या कोई और, सबको कुचल कर उनका काम तमाम कर दूंगा और इस त्रिची शहर में अपना झंडा फहरा दूंगा। उसके बाद इस शहर का राजा मैं होऊंगा। ये एक दिन तू जरूर देखेगा। ये सब क्या है? क्या है? धक्का दिया और बिना सॉरी बोले जा रहे हो? ए, जा इधर से। ए, हल्के में समझाए क्या? क्या बोला? तू जानता है मैं कौन हूँ? ए, मैं छोटू हूँ। ए, ए, इधर देख, जानता है ना मैं कौन हूँ? अरे बोल ना मैं कौन हूँ। हूँ, बोल बोल। कौन है तू? साहे का नाम नहीं सुना तूने? इधर, अरे इधर आना। इस शहर का जो सबसे बड़ा गुंडा है ना, वो मेरा मामा है। मैं अभी सीधा उसी से मिल के आ रहा हूँ। साहे से?
कब? अभी। क्यों विश्वास नहीं हो रहा है क्या? विश्वास हो गया? हाँ। तुझे देखते ही मैं समझ गया था तू कोई बड़ा आदमी है। अब बता, चल अच्छी बात है, अब सॉरी बोल। हाँ सॉरी। ये चिलगोजी के छिलके तू मत बोल, इसको बोलने दे। सॉरी हो गया ना, अब जा। ये डर होना चाहिए। ए! अरे ओ लंबू, आज के बाद तुम दोनों मुझे कहीं मिलना मत, और अगर मिल गए सुन ओके? चलिए बैरिकेड हटा दे। ये मुंह ढक के कहाँ जा रहा है? ए, देख के नहीं चल सकता क्या? छोड़ दो भीमा, मुझे छोड़ दो, कुछ मत करो, मेरी बात सुनो। मैंने अपना रास्ता बदल दिया है, अब मैं किसी लड़ाई में नहीं जाता, मैं कोई हथियार भी नहीं रखता। देखो देख लो भीमा, भीमा छोड़ दो, भीमा छोड़ दो, नहीं भीमा, भीमा भीमा छोड़ दो, भीमा हाथ जोड़ दो तुम्हारे, छोड़ दो भीमा। नहीं भीमा मुझे माफ कर दो भीमा, नहीं भीमा मुझे माफ कर दो भीमा, नहीं नहीं भीमा, 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 भाई क्या हुआ भाई? वो क्या है ना, शंकर के गैंग में जो राकेश है ना, वो शादी करके सेटल होना चाहता है। कल वो एक बार में बैठा था और बोल रहा था कि वो अप्रूवल बन जाएगा। शहर में हमने क्या क्या कहाँ किया है ये सब उसको पता है, उसने उगल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ भीमा? ये छोड़ो भाई, आप क्यों परेशान है? एक्चुअली वो राकेश ने सब कुछ उगल दिया है, ये शंकर का ही काम होगा। उसका जिंदा रहना अब हमारे लिए सही नहीं है, और वो मिनिस्टर भी शंकर की तरफ है, और अब वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे मारना जरूरी है। ए, किसका खून है? राकेश का? हाँ? ये राकेश ही है ना? ए, मैंने बोला था ना, जो मैं बोलता हूँ मेरा भीमा हमेशा कर देता है। ए तू सुन। जी भाई। एक काम कर, अब तू स्टेशन जाके सरेंडर हो जा। ठीक है भाई। ए उठाओ रे भीमा को, अब जश्न मनाएंगे। शहर हमारे कंट्रोल में होने के बाद भी हमारे आदमी को मारा गया, सहाय के बिना इतना उछल रहा है वो, उस भीमा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। भाई जब पता है वही है तो मंत्री से कहकर अरेस्ट क्यों नहीं करवा देते? जा बे। मिनिस्टर से मैं नहीं बोल सकता क्या? पुलिस से बोलकर उसे अरेस्ट करवा कर और फिर उसे सरकारी गवाह बनाकर हम सबको मरवा डालेगा। बात करता है, हमारे बीच जो गैंगवार हो रही है डिपार्टमेंट को पता है, हम सब आपस में लड़कर मरे इसलिए वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, उससे हमें फायदा ही है। भीमा ही इस सब का कारण है, अगर उसे मार दिया तो सब चुप बैठ जाएंगे। ओए इधर आ। जी भाई। उस भीमा पर खांचा बिठाओ।
समझा नहीं। क्या मतलब? एक मिनट में देखता हूँ। रुक जा। सॉरी बॉस। ऐसे ही डर होना चाहिए। तू तो चेहरे से बड़ा मासूम लगता है हाँ, लेकिन तेरे अंदर बहुत गर्मी है बे। कहीं अकेले मिल मत जाइए वरना काट दूंगा। हाँ चलता हूँ, तेरा अच्छा समय चल रहा है अभी। इसके तो कान के नीचे दो बजाना चाहिए था और आप इसे ऐसे ही छोड़ रहे हो। नहीं, दिखता नहीं, एक नमूना है वो, एक चांटा पड़ा तो मर जाएगा। चल बैठ। ए, जा। मुझे दिखाई नहीं देता, क्या मुझे रोड क्रॉस करवा देंगे? मंडे को एक, ट्यूसडे को दूसरा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे रोज एक एक करके पीछा करते हैं। सैटरडे संडे को छोड़कर रोज मुझे फॉलो करते हैं। मुझे पता है कि इन सबके पीछे किसका हाथ है माँ, बहुत बड़ा बदमाश है वो। ए, फॉलो करने वाले 5 लोग हैं, जो पीछा नहीं करता उस पर क्यों गुस्सा कर रही है? ये तो उन सबका बॉस लगता है। किसी दिन वो मेरे पीछे आया ना तो उसे उसी वक्त मैं जान से मार डालूंगी और खुद जेल चली जाऊंगी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुझे ना बेटा बनकर ही पैदा होना चाहिए था, गलती से तू लड़की और तेरा भाई लड़का पैदा हुए। ए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर वो फिर से तेरे पीछे आए ना तो तू मुझे कॉल करना, मैं देख लूंगी। हाँ हाँ, वो मेरा पीछा करेंगे, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तब तक वो मेरी शक्ल देखते रहेंगे। चाहिए तो एक एम्प्टी मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगी। अब हंस भी दे। रुक, आज मैं जाता हूं। पिछली बार भी बोला था मैंने उसे। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ बोलिए भाभी। भैया आप कहाँ पर हैं? शहर में हैं या बाहर हैं? शहर में ही हूँ, बोलिए ना भाभी। मैं आपका नाम जान सकता हूँ क्या? किस लिए? ऐसे ही। ऐसे किसी को नाम कैसे बता दूँ? तो फिर कोई बात नहीं, आप मेरा नाम पूछ लो। मुझे नहीं जाना। सुनो तो। ए, क्या है? तू इस शहर की कोई अप्सरा है क्या? छोड़ मुझे। नाम बताने में तू घट जाएगी क्या? ऐसे देख रही जैसे इस शहर में तू ही अकेली लड़की है। अभी तो सिर्फ हाथ काटा है, अगर दोबारा तूने इस लड़की को छेड़ा तो तुम जाओ यहां से। 2 बजे के बाद ले जाइए। ओके मैडम। रूमा, बैंक का काम हो गया है, चले। पहले जब आने को कहते थे तब नकली दिखाकर अकेले आ जाती थी, अब प्रॉब्लम है तो साथ ले आती है। ए, अभी हमारे साथ आ रही है ना, पुरानी बातें छोड़ दे। जहां जाती हूँ डर लगा रहता है कि कहीं आकर छेड़खानी न कर दे। सॉरी। हाँ सॉरी, मैंने भी नहीं देखा। ठीक है कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अरे यार जरा उधर तो देख। अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है तो क्या करेगा तू, ज्यादा मत घूरा कर। अब देख मैं क्या करता हूँ। ए, नए शहर में कोई हरकत मत दिखाना, समझा? हम अपने गांव से यहाँ डॉक्टर बनने आए हैं। अच्छा? पता लगा पेपर में फोटो छप गई,
अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तू रुक ना। ए, देख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सीधे पार्लर से आ रही है। क्या बोलता है तू, इस लड़की पे ट्राई मारेगा? किस पे यार? उस पे। अरे बाप रे, मरवाएगा मुझे? क्यों खाम खा मुझे फंसा रहा है यार? ए, यहां क्या है? ये सबको मारती ही रहती है क्या? क्या हुआ, बेइज्जती महसूस हो रही है? जगह जगह तुम लड़कियों को जानबूझकर छेड़ते हो तो हमें कैसा लगता होगा पता चला? गलती से धक्का लग गया और इसने मुझे फालतू में थप्पड़ मार दिया। इसकी वजह से न जाने कितने लोगों की बेइज्जती हुई होगी। सोच क्या रहे हो? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। लड़कियों को तुमने खिलौना समझा? जाओ यहां से। बड़े आए, मौका मिलाने की पहुंच जाते बेशर्मों की तरह तमाशा देखने। धक्का देने वाले ने जानबूझकर धक्का दिया या फिर गलती से धक्का लगा? बिना जाने समझे थप्पड़ मार देती हूँ? हाँ, क्या समझती हो, कोई लड़की चाटा मारेगी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं? एक बात सुन लो, दोबारा किसी के ऊपर बिना जाने समझे हाथ उठाया तो उंगली तोड़ दूंगा। चल जा, जा यहां से। बात सुन, तो फूलन देवी बनकर किसी पर भी हाथ उठा देती है, कोई आदमी कौन है कैसा है ये तो जानना चाहिए। तुझे तो इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो लड़का किसी दिन पलट कर तुझे जवाब दे देगा, मुझे तो लगता है वही तेरे लिए परफेक्ट मैच होगा। भाई यही वो लड़की। ए, क्या रे? सहाय की लड़की तो डर जाएंगे क्या? तेरा बाप नहीं रहा तो तू क्या चीज है? तेरी वजह से मेरा दोस्त आज हॉस्पिटल पहुंच गया है, उसका एक हाथ उठ नहीं रहा है। अगर उसे कुछ हुआ तो याद रखना, तेरे चेहरे पे तेजाब फेंक दूंगा। आप गलत मत समझिए, लेकिन वो लड़के आज ही कविता को कॉलेज के बाहर धमकी देकर गए हैं। इसका कॉलेज खत्म होने तक किसी लड़के को इसके साथ अगर हम भेज दे तो। अगर आप कहें तो उस दिन भीमा आया था उसे भेज दूं? आपको जो सही लगे उसे भेज दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी वैसे हमारे सभी लड़के सही हैं, लेकिन सही होने के साथ उन्हें भरोसे का होना भी तो जरूरी है। बेटा कल से तुम्हारे साथ भीमा जाएगा। ठीक है चाचा जी। यार भीमा, यार हम लोग पूरा दिन कॉलेज के बाहर ही खड़े रहते हैं, वो लड़की तो अभी कॉलेज के अंदर ही है ना, हम अभी चले जाते हैं, शाम को फिर आ जाएंगे। सुन, कॉलेज के पास आके धमकी देके गए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉलेज के अंदर भी आ जाएं। जो भी करो पूरा करो।
कविता, कौन है वो लड़का? कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुमसे प्यार करता है क्या? क्या, कैसी बात कर रही है? मेरे घर वालों ने मेरी सिक्योरिटी के लिए भेजा है उसे। क्या सिक्योरिटी? इतनी बड़ी तोप है क्या तू? सच बता, तू उससे प्यार करती है ना? ए, चुप कर, बेकार की बातें क्यों कर रही है? इधर देख, एक लड़की क्या सोचती है ये भला कोई लड़का ना समझे, लेकिन एक लड़की अच्छी तरह से जान जाती है। चल सच बता। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली 2-3 महीनों से उसे लगातार देख रही हूँ ना, इसलिए। जब उसे नहीं देखती हूँ तो अजीब सा लगता है। इसी को प्यार कहते हैं। वो सब मैं नहीं जानती, मैं उसे देखते रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। देखना भीमा आ गया है। ए, क्यों ना हम कहीं बाहर चले? पर कहाँ? ले ले, मैं जा रहा हूँ, फोन करूँ तो बाइक लेके आ जाना। अरे पहले मेरी बात तो सुन ले, हम लोग साथ में बाइक पे ही चलते हैं ना। ए, वो लोग पैदल जा रहे हैं, बाइक के साथ नहीं जा पाएंगे। ओ, मैं निकलता हूँ, फोन करूँ तो बाइक लेके आ जाना, ठीक है? ठीक है। पीछे बिल्कुल मत देख। मना किया था ना, पीछे मत देख। तुम दोनों आगे जाओ, मैं इसके साथ आती हूँ। ओके। तू रुक क्यों गई? एक मिनट सुनो। हाँ, तुम्हें ही बुला रही हूँ। तुझ में तो बहुत गट्स है यार। बोलना तो है ही, तो फिर लेट क्यों करना? तुझे मैं आती हूँ। क्या? मुझे कुछ ना हो इसीलिए मेरे साथ साथ रहते हो ना तुम। हाँ। तो फिर इतने दूर क्यों, साथ चल सकते हो ना? नहीं, आपके कॉलेज तक जाने के लिए बोला है मुझे, आपके साथ नहीं। ओहो, तो अब मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों, डर लगता है? किस बात का डर? मैंने सोचा साथ चलने से कहीं प्यार ना हो जाए, इसीलिए डर रहे होंगे।
क्या हुआ भीमा, काफी देर लगा दी तुमने। तुम्हें हुआ क्या है? कहा था ना आधे घंटे में आ जाऊंगा, थोड़ा काम से इधर उधर गया था, तब तक तो तुमने 9 कॉल्स और 4 मैसेजेस भेज दिए। ये लो भीमा। आ रहने दो भाभी। ए, वो नहीं पिएगा तो क्या मैं नहीं पीऊंगा? ठीक है, अब ऐसी क्या बात हो गई जो तूने कहा कि फोन पे नहीं बताएगा, मिलके बताएगा? भाई कल से मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दो। अब और किसे भेजूं मैं? वो 4-5 दिन राजेश गया था, उसी को भेज दो। क्यों, बात क्या है? कल वो लड़की कुछ तो भी बोले जा रही थी, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रही थी? वो कुछ अजीब ही बातें करती हैं, अब सारी बात नहीं बता सकता भाई। तू बेकार दिमाग मत लगा, हम ये उस लड़की के लिए नहीं, हमारे भाई सहाय के लिए कर रहे हैं। बेबी पहले होमवर्क करेगी, बाद में टीवी देखेगी। वो लड़की कैसी है या उसका व्यवहार कैसा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तू मुझसे कुछ नहीं छिपाएगा। सिर्फ 4 महीने की तो बात है, इतना तो कर ही सकता है ना? हाँ ठीक है भाई। हेलो। क्या भीमा, देखकर भी अनदेखा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हंसू तो जवाब में हंस देना, इतना काफी है। मुझे इसकी आदत नहीं है। तो आदत डाल लो, हंसना कोई बड़ा काम थोड़ी है। समझा करो, कुछ भी मत बोलो, जाओ यहाँ से। तुम जो कहोगे वो मैं समझूं, पर मैं जो कहूंगी वो तुम समझना नहीं चाहते। क्या समझना है? क्यों, अभी तक समझे नहीं? समझ रहा हूँ, तुम जैसा सोच रही हो ये प्यार व्यार ये मेरा काम नहीं है। क्यों क्यों? अरे तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं आ रहा हूँ, मुझे प्यारा सा छोटा बच्चा मत समझो। जरा जाओ और जाकर त्रिची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में मेरा नाम पूछो। उन्होंने सामने भले ही न देखा हो, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जब मेरा नाम सुनता है तो हिल जाता है। मंत्री का पीए, विपक्ष का नेता और अधिकारी तक जैसे ही मुझे देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं। कॉलेज के लड़कों से लेकर दुकान पे काम करने वालों तक भीमा का नाम गर्व से लेते हैं। पूरे शहर के आधे से ज्यादा गुंडे भीमा के नाम से कांपने लगते हैं। मैं एक लड़के के प्यार में फंस गया ये सुनकर पूरा शहर मुझ पर हंसेगा। जाओ जाकर अपना काम करो, जाओ, आइंदा इस तरह की बात मत करना। तुमने जो भी कहा वो सब सच है, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या? तुम्हारे पास हमेशा एक चाकू रहता है ना? मुझे पता है, मैं किसी से कहूंगी नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने चाकू या कोई हथियार इन सब के बिना 24 घंटे भी नहीं रह सकते ना? अच्छा क्यों नहीं रह सकता? अगर ऐसा किया तो तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी? पहले रह के दिखाओ, उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगी और तुम्हें ऑनेस्टली उसका जवाब देना होगा, और अगर उस सवाल का जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कि तुम अपने चाकू या कोई हथियार इन सबके बिना 24 घंटे भी नहीं रह सकते ना? बॉयफ्रेंड, तुम दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल है क्या? अरे
अरे ऐसे घूर घूर कर मत देख, नजर लग जाएगी। उधर देख। टेस्टी था ना? चल चल जल्दी चल। एक चाय लेके आओ। We'll be right back.
सर आपको कुछ चाहिए? एक चाय। एक मेरे लिए भी। जी। कॉलेज नहीं गई? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा? वो किस लिए? तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई होगी, इसलिए सुबह उठने में देर होगी, मुझे पता था। क्यों, नींद क्यों नहीं आएगी? मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है, आंखें बिल्कुल लाल हैं। आप क्या चाहती हो तुम? कल मैंने कहा था, वो करके देखा? क्या? एक दिन चाकू या किसी भी हथियार के बिना। अब सच बोलो भीमा, पूरे दिन में तुम 10 मिनट भी नहीं डरे क्या? क्या कहा, डर? और वो भी मुझे? बिना हथियार के भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। सुनो भीमा, को इतना कमजोर मत समझो। मैंने सिर्फ सच पूछा है। बोलो भीमा, तुम डरे या नहीं? मतलब तुम्हें डर जरूर लगा था। क्यों डरे थे? तुम्हारे नाम से शहर डरता है, तुम्हें देखते ही बैठे हुए लोग खड़े हो जाते हैं, लोग दूर भागते हैं तुमसे। एमपी, नेता, अधिकारी सब तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, वो सब तो ठीक है। इतने बड़े आदमी होकर एक मिनट के लिए क्यों डरे तुम? क्योंकि दुश्मनों के पास हथियार होगा और तुम्हारे पास नहीं, इसलिए डर लगा होगा ना? यही बात है ना? वो तुम्हें उन्हें देखकर डर लगा था या फिर उनके चाकू से डर लगा था? लोगों का तुम्हें देखकर यूं डर जाना, तुम्हें देखकर खड़े हो जाना, कि वो तुम्हें इज्जत देने के लिए नहीं करते, बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए तुमसे दूर रहना चाहते हैं। कुछ लोगों का तुम्हें देखकर खड़ा होना, तुम्हें सलाम करना, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करके वो तुम्हें इज्जत देते हैं, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। जो लोग तुम्हें सलाम करते हैं, उन्हें जरूर तुमसे कोई काम होगा। जो लोग तुम्हें सलाम करते हैं, वो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आते हैं भीमा। आज तुम्हारे पास ये जो हथियार है, वो तुम्हारा नहीं है, कल किसी और के पास था और कल किसी और के पास होगा। कितने दिनों तक ये तुम्हारे पास रहेगा? जिस दिन हाथों में चाकू पकड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन ये चाकू किसी और के पास चला जाएगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि जिंदगी में तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तो ये तुम्हारी सोच है। जरा सोच कर देखो, तुम्हारी एक जिंदगी, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा अपना बच्चा हो। सोच कर देखो भीमा, इन सबके बगैर एक इंसान की जिंदगी बिल्कुल अधूरी होती है। इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। यही एक पहचान है, एक साधारण इंसान की पहचान। देखो तुम कंफ्यूज मत हो, आराम से सोच कर देखो। आज नहीं तो कल मेरी ये बातें तुम्हारी समझ में जरूर आएंगी भीमा। उस दिन तुम मेरे पास आना, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठा है? फोन करके बोलता है कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तुरंत मिलना है। कब आओगे, मैसेज करता, आखिर बात क्या है? कुछ बोलेगा क्या? ये तो नहीं बोलना चाहता कि तुझे नहीं जाना है, किसी और को भेज दो? चल ठीक है, किसी और को भेज दूंगा। नहीं भाई, वो बात नहीं है। दरअसल आपको एक बात बतानी थी। वो क्या है कि? क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा कि वो बात तुम्हें कैसे बताऊं। टेंशन क्यों ले रहा, बोलना। आप गलत तो नहीं समझोगे भाई? मैं कुछ गलत नहीं समझूंगा, बिंदास बोल तू। कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। ए, टेंशन मत ले यार, या तो अभी बता दे या फिर बाद में आराम से सोच समझ के बता देना, ठीक है? नहीं भाई, मुझे तो तुम्हें बताना ही है, बस बताऊं कैसे। अरे हो क्या गया है तुझे, हैं? खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा है? तू घबरा किस बात से रहा है? नहीं भाई, वो प्यार का चक्कर है। प्यार?
प्यार का चक्कर है क्या? बात है, मेरे भीमा को भी प्यार हो गया है, ये तो खुशी की बात है। इस बात के लिए घबरा क्यों रहा था तू? ए, हम जैसे लोगों से अगर कोई प्यार करे तो ये तो खुशी की बात है ना। ए, बता लड़की कौन है? अरे क्या हुआ, शर्म आ रहा है क्या? कौन है बताना। भीमा कौन है बोल। आपको उसका नाम कैसे बताऊं भाई? भीमा वो कविता है क्या? हे, वो सहाय भाई की बेटी है। नहीं भीमा नहीं, छोड़ दे उसे, ये करना ठीक नहीं है। कल से तू नहीं जाएगा, मैं देखता हूं, मुझे कुछ करना होगा। ए, ऐसे करना विश्वासघात होगा, छोड़ दे उसे, ये पाप होगा भीमा। ऊपर से वो भी तो हमें देख रहा है, मेरी बात मान, उसे छोड़ दे भीमा। ए, अगर कोई मेरी बहन या शादी लायक बेटी होती ना तो उसकी शादी मैं पक्का तुझसे ही करवा देता, वो भी बिना सोचे समझे, क्योंकि मैं तुझे जानता हूं। लेकिन ये लड़की नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लड़की नहीं। अगर भाभी रोते हुए मेरे पास आई और बोला कि रवि तेरे लड़के ने ऐसा कर दिया तो भीमा मैं तब सोचूंगा नहीं, मैं सीधा तेरी जान ले लूंगा। भाई प्यार और वॉर एक जैसे हैं, अगर उनमें जीतना है तो पाप और पुण्य नहीं देखना चाहिए। धर्म और अधर्म के बारे में अखाड़े में खड़े होकर सोचोगे तो जीत नहीं पाओगे। तू ये किस तरह की बातें कर रहा? ये सब किसने सिखाया तुझे? उस लड़की ने सिखाया भाई। मन एक जादुई चाबी की तरह है, विश्वास हो तो कुछ भी कर सकते हैं। जब तक जान हमारे शरीर से पूरी तरह ना चली जाए हमें खुद को मरा हुआ नहीं समझना चाहिए। मुझे तो विश्वास है मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। भीमा ये तेरा वक्त है, खेल जा। Oh!
जब तक जान हमारे शरीर से पूरी तरह चली न जाए हमें खुद को मरा हुआ नहीं समझना चाहिए। ए, एक दो से क्या हुआ? पुलिस अभी भी अंदर ही है। मेरी बात समझो जगदीश, बिना डीन के डिस्कस किए हुए हमने ट्रीटमेंट किया है। अब देखो ये पुलिस पुलिस के चक्कर है, कोर्ट केस के चक्कर में कौन पड़ेगा? सर मैं सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करता तो उसकी जान चली जाती सर। दूसरों की जान बचाने के चक्कर में लगता है मेरी ही जान चली जाएगी। हा? क्या हुआ जगदीश? सर डॉक्टर्स लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं, उन्हें मारने के लिए नहीं। इसी वजह से डॉक्टरी का पेशा बदनाम हो रहा है सर। भाई वो लड़की भीमा से नहीं मिलनी चाहिए। सुनो इसे किसने मारा है वो अच्छी तरह जानता है, ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कुछ नहीं जानता है। ये हमें 10 रुपए भी नहीं कमाने देते यार। बहुत बिल्कुल सही कहा सर आपने, चलिए चल के रास्ता में चाय पीते हैं। ये सुधरने वाले नहीं है, आप जाकर मिल लीजिए। भीमा ए, रो क्यों रही हो? इस तरह रोया नहीं करते। ये देखो ये जगदीश है, यही मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था। अगर ये नहीं लाता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू सो मच। यही तो हम डॉक्टरों का काम है, थैंक्स मत कहिए। हेलो
आज तू कॉलेज नहीं गई थी। क्या बात है माँ? हाँ कविता, तुझसे पूछ रही हूँ, नहीं गई थी? नहीं गई। फिर कहाँ गई थी? हॉस्पिटल गई थी। किस लिए? भीमा को देखने। कौन भीमा? जिसे आपने मेरी सिक्योरिटी के लिए भेजा था, वही भीमा। कविता, कविता, हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे उसके बीच में क्या है? हम बने तुम बने के दूजे के लिए, हम बने तुम बने, हम बने तुम बने के दूजे के लिए। कविता, हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत थी? उसका तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है? कविता, जब वो कॉलेज में मेरी सिक्योरिटी के लिए आ सकता है तो पूरी लाइफ की सिक्योरिटी क्यों नहीं कर सकता? मिल गया जवाब। अब आप चाहे जो कुछ भी कीजिए, मैं उसी से प्यार करती हूं और यही सच्चाई है। क्यों छोड़ दिया माँ? दो थप्पड़ लगाना चाहिए था उसे। जब उसने मुझे गुस्से से देखा तो लगा कि तेरे पापा ही देख रहे हैं, इसलिए। ये क्या, वहां बदतमीजी से बात करके यहां आकर तू रो रही है? तू जो कुछ भी कह रही है ठीक है, पर क्या करूं? अगर प्यार से कहती तो क्या मैं मान जाती? कैसी हैं आप? भीमा के लिए घर से खाना लाई हैं? हाँ, घर से दाल चावल लाई हूँ। अभी मिलकर आया हूँ, तबीयत नॉर्मल है। आप देखना जल्द ही वो पहले की तरह बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आप जाकर मिल लीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। अभी पूछ लूँ क्या? अभी नहीं। कुछ गलत नहीं है। देख, ज्यादा लेट मत कर, दिल में जो है बोल दे। उस दिन... अच्छा एक काम कीजिए, पहले आप बोलिए। सॉरी। किस लिए? वो उस दिन गुस्से में मैंने आपको पब्लिक प्लेस में चाटा मार दिया था, इसलिए। कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, सॉरी। चलिए छोड़ दीजिए, जो दिया था वो वापस मिल ही गया, हिसाब बराबर ना? आपके फोन में व्हाट्सएप है? हाँ है ना, क्यों? वो क्या है ना, कोई इंटरेस्टिंग मैसेज आए तो उसे आपको फॉरवर्ड करने के लिए। सॉरी, आपका मोबाइल नंबर होगा तभी तो मैसेज कर पाऊंगी ना, तो क्या है नंबर? हाँ, मेरे फोन में व्हाट्सएप है। मतलब मैसेज कर सकते हैं। आ जा, आप बैठो भाई। अरे तू बैठ ना।
अब कैसी तबीयत है? सही है, एक हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। ए, तुम लोग जरा बाहर जाओ। भीमा, जब तू हिम्मत से चाकू पकड़ा करता था ना, तब तुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्यार में पड़ने के बाद देख तेरा क्या हाल हो गया। चाकू से खेलने वाले को चाकू ने घायल कर दिया। हम लोग जिस दिन चाकू छोड़ने की सोचते हैं ना, हम धीरे धीरे अपनी ही मौत के करीब आ जाते हैं। इसलिए छोड़ना मत, चाकू दोनों तरह से नुकसान पहुंचाता है। वो मारने वाले को भी मारता है और छोड़ने वाले को भी। तो जिस दिन छोड़ दिया उस दिन मौत तय है। बात को समझ भीमा, हम जिस रास्ते पर है ना, वहां से वापस लौटना हमारे लिए मुश्किल है। सुधरने की कोशिश मत कर, वरना मारा जाएगा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था कविता, ये गलत है। तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम जाओ यहां से। चाचा जी, मैं थोड़ी देर बात करके चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, वहां आगे क्या होगा ये हमें भी नहीं पता है। वहां क्या देख रही हो भाई? क्या है, चुप करना। तुम जाओ बेटी। भाई चुपचाप बैठा रहे, कम से कम तू तो समझा कर। भाई आने दीजिए ना, थोड़ी देर रुककर चली जाएगी। ए बोला ना, चुप हो जा, वरना कुछ और बोल दूंगा। बेटा तुम जाओ, बोला ना, जाओ। भाई आप जाइए ना भाई। ए ये थोड़ी देर यहां रुककर चली जाएगी। लड़के तो बाहर खड़े ही हैं, कुछ हुआ तो मैं फोन कर दूंगा। आने से पहले एक फोन नहीं कर सकती थी? क्यों, बिना फोन की नहीं आ सकती? ये भी ना, बिना फोन उठाए मानेगा नहीं। हेलो कविता। बोलो भीमा। कहाँ हो? घर पर ही हूँ। ओ तुमने खाना खा लिया? ए तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने तू उससे फोन पे बात कर रही है? क्या पापा नहीं है तो क्या हुआ? घर में तुझसे पूछने वाला कोई और नहीं है क्या? आज के बाद उससे बात की ना, और अगर तुझे कहीं मैंने देख लिया तो तू सोच, पहले उसे मारूंगा फिर तुझे भी जान से मारूंगा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? करेगी बात? बोल, करेगी मुझसे बात? मैं इसे मना कर रहा ना माँ। भीमा मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो, कहीं भी जहां सिर्फ हम दोनों हो। नहीं समझे? भाग चलने को कह रही हूं। तुम मुझे यहां से कहीं दूर ले चलोगे ना?
शंकर भाई, ये काम मुझ पर छोड़ दो ना, मैं देख लूंगा। रहने दे, तूने पहले ही गणेश भगवान का अच्छे से विसर्जन किया ना, वही काफी है। भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, वैसे ही आपने मेरा काम पवन को दे दिया है। ए, मेरी गद्दी पर तू या पवन वो बहस मेरे मरने के बाद करना। नेता लोग ही इंसान के जिंदा रहने पर अगला सीएम मैं हूँ, अगला सीएम मैं हूँ बेशर्मी से लड़ते रहते हैं। तुम भी वही हो? जी मंत्री जी। क्या शंकर, लगता है काम आधे में ही छोड़ दिया। तुम दोनों की आपस की बात है इसलिए मैं बीच में नहीं आया। याद रखना, इस तरह की गलती तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। हर तरफ उसका ही नाम आ रहा है आजकल। शहर में बिना मेरे इशारे के कोई नहीं उठ सकता। उस लड़के का नाम बहुत ऊपर उठने लगा है। अगर वो लड़का राजा बन गया, मेरी छोड़ो, किसी की भी बात नहीं सुनने वाला है वो। सांप को पहले ही कुचल दो, वरना याद रखना, अगर उसने डस लिया ना तो सभी मारे जाओगे। समझ गया ना शंकर भाई? एक बार मौका दो ना, मैं निराश नहीं करूंगा। इस बार किसी पर भरोसा नहीं है, मैं खुद करूंगा। उसे मारने के लिए मुझे ना जाना पड़े इसलिए तुम्हें भेजा। सबको चकमा देकर वो आराम से निकल गया। मतलब हाथ से ही नहीं, दिमाग से भी तेज है। जितनी चादर हो उतना ही पैर बढ़ाना चाहिए। इस बार 10 या 100 लोगों की भीड़ नहीं, मेरे अलावा सिर्फ गिनती के 3 लोग, और वो भी कौन होंगे समय आने पर बताऊंगा। देख यार, मुझे गलत मत समझ, पिछली बार तुझे मारने का प्लान मुझे आखिरी मोमेंट पे मालूम चला था यार। सब लोग मेरे साथ थे इसलिए तुझे मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया। इस बार शंकर फिर मारने का प्लान बना रहा है। वो बोल रहा है कि खुद मारेगा। खाली इतना ही नहीं, शंकर के साथ मिनिस्टर भी मिला हुआ है। मिनिस्टर और मेरे बीच कोई पंगा नहीं है, तो वो टांग क्यों उड़ा रहा बीच में? तेरे आगे पीछे कोई नहीं है भीमा, मामले को समझ। मैटर उतना सीधा नहीं जितना तुझे लग रहा है। शंकर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, पक्का कसाई है वो। भीमा, शंकर से दूर रहना तेरे लिए अच्छा है। मैं जानता हूँ तू मेरी बात कभी नहीं मानेगा, फिर भी तुझे बोल रहा हूँ। देख, यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मेरी बात मान ले, सब कुछ भूलकर अंडरग्राउंड हो जा। शान चली जाए तो कोई बात नहीं, मगर जान चली जाए तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी तू खुद समझदार है। बाद में तुझे मैं इन्फॉर्म कर पाऊंगा या नहीं मैं नहीं जानता, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। होशियार रहना। क्या हुआ? तू चुप है लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ गड़बड़ है ना? चिंता मत करो भीमा, दिमाग से चलोगे तो हर काम में जीतोगे। माजी हैं? तुम कौन? भीमा। माँ घर में नहीं है, जाओ। कौन है? आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटा। क्या माँ, तुम इसे यहां बैठने को क्यों बोल रही हो? निरंजन, तुम जरा शांत रहो। नहीं माँ, वो तुम अंदर जाओ, कह रही हूं ना, अंदर जा। तुम बोलो बेटा।
कविता ने आपको पहले ही बता दिया होगा। उसने जो कहा वो छोड़ो, तुम बताओ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ तो? आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है, अभी मैंने इसके शादी के बारे में सोचा नहीं है। शायद आप ये सोच रही कि आपकी बेटी को मैं अच्छी तरह रख पाऊंगा या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, चार पैसे नहीं कमा सकता मैं। आपको एक बात बताऊं, नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर में मेरे एक दोस्त को किसी ने मारा, मैंने उसको मार दिया, वहीं से ये शुरू हुआ और मैं यहाँ आ गया, नहीं तो आज मैं डिग्री होल्डर होता। और हाँ माँ जी, रही बात पैसों की, अगर मैं चाहूं तो लाखों रुपए कमा सकता हूँ। तुम चाहे करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकती। लेकिन क्यों माँ जी? क्योंकि तुम एक गुंडे हो। आपके पति कलेक्टर थे क्या? वो भी एक गुंडे थे, मैं मना नहीं कर रही, और गुंडे लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है उसे झेलने पर ही पता चलता है, इसलिए बोल रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। मेरे पति ने भी हमें हर खुशियाँ दी थी, मैं जब उनके साथ होती थी, जब हम दोनों बात करते, इतना ही नहीं, रात को सोते समय भी मैं हमेशा मेरे पति से कहती कि अगर हो सके तो आप ये गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, लेकिन वो ये सब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और देखो उसे क्या हुआ, मैंने अपने पति को खो दिया और मेरे दो मासूम बच्चे अनाथ हो गए। आपने इतनी कोशिशें की लेकिन आप उनको बदल नहीं पाई, जबकि आपकी बेटी ने मुझे बदलने में ज्यादा कोशिश नहीं की, सिर्फ एक दिन, केवल एक बार मुझे अच्छी तरह से सब कुछ समझाया, और उसी समय मैंने सारे काम छोड़कर इसके साथ रहने का फैसला कर लिया। और क्या करूं बताइए बेटा। आज सब कुछ तुम छोड़ चुके हो, लेकिन तुमने पहले किए हुए जो पाप हैं, वो पाप तुम्हारे साथ साथ पीछे आते रहेंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाद मेरी बेटी का क्या होगा बताओ। माँ जी, आप भी मेरे बारे में इस तरह से सोच रहे हैं? ऐसा नहीं है। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। यहाँ आके किससे बात कर रहा है? हाँ, किससे बात कर रहा है तू? तेरी तो मैं ज़बान काट कर रख दूँगा। अरे निकल, रुक जा। बोला ना निकल, देख मुझे गुस्सा मत दिला, वरना काट कर रख दूँगा। मार ना मुझे, मार ना, रुक क्यों गया? बीमा, काट देगा मुझे, काट के दिखा ना। भगवान, हीरो बनता है, अंदर घुसेड़ कर सब कुछ बाहर निकाल दूंगा। अपने आप को शरीफ दिखा रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है। ए, निरंजन, 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 मेरी तरफ देख, बैठ। हे भगवान, खुश है ना तू? खुश है ना? यही करवाना चाहती थी ना तू? क्या कहा तूने? इसने सब कुछ छोड़ दिया है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ा है? अभी हाथ में ही तो है। अब तुम क्या कहोगी? हम नहीं छूट सकते, मैं क्या तुम क्या, इसे हाथ में लेने वाला कभी किसी के लिए नहीं बदल सकता। इसके भरोसे पर तू जीना चाहती थी, जा जा ना, जाकर तू खुद अपना सिर पानी में डाल ले। तुमने खाना खा लिया भीमा? ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ, आज रुक जाओ, कल चले जाना। तुम यहाँ पढ़ोगे, मैं क्या करूँगा, मैं चलता हूँ। भाई, हॉस्टल में सारे लड़के पढ़ाई थोड़ी करते हैं, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप यहीं आराम कीजिए ना। देखो बहुत लेट हो गया है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। एक बार डरे तो पूरी जिंदगी डरना पड़ता है, अगर हौसला हो तो डर किस बात का। और अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं, चलता हूँ।
हाँ बोल भाई। मेडिकल कॉलेज से भीमा अकेले बाहर निकल रहा है। तू वहां मार्केट के रास्ते में खड़ा हो, ठीक है? भीमा वहां से आएगा। आने वाला भीमा ही है या कोई और है, देखकर मुझे कॉल करना। ओके भाई। चार लोग एक ही लाइन में रहेंगे, जा। भाई मैंने कहा था ना, ए इधर मनी तू जा। ठीक है भाई। क्या हुआ? अभी वो कच्चा है इसलिए दूर ही सही है। भाई अपनी गन से एक गोली उसके भेजे में डाल दो, सारा मामला खत्म। ओए सहाय को मैंने अपनी गन से मारा था, इसको उसी गन से मारा तो पुलिस समझ जाएगी दोनों को मारने वाला एक ही आदमी है। मुझे समझाता है? जा बाइक छिपाकर हाईवे पर जा। भाई मैं वहीं जा रहा हूँ। लाइन पर रहे मनी। हाँ भाई। लाइन पर रहे पवन। हाँ। तीनों लोग लाइन पर रहना। ठीक है। आ रहा है भाई। hey, बस मेरी सुनना, बीच में कोई नहीं बोलेगा, मेरे निकलने तक कोई बीच में नहीं आएगा, समझ गए? शंकर भाई ये सारे काम छोड़ चुका हूं मैं, जाने दो मुझे। तुझे छोड़ू मैं? एक लड़की मुझे प्यार करती है, उससे शादी करके मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, विश्वास करो मेरा। इसी तरह राकेश गिड़गिड़ाया था, तूने सुनी थी उसकी, अब मुझे समझा रहा है, हैं? मेरे आदमी को मारा, गलती की तूने, हिसाब तो बराबर कर लो। तो राकेश के खून का हिसाब बराबर करना चाहता था ना, तो मुझे भी सहाय भाई के खून का हिसाब बराबर करना है। भाई शंकर भाई, शंकर भाई, भाई, भाई। निकल जाओ, निकल जाओ, तो काट डालूंगा।
बोलिए सर। ए विजयन, क्या हो रहा है शहर में? लगता है तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग आराम से सो रहे हैं। सर, हमने पूछताछ शुरू कर दी है। तुम्हारी पूछताछ का मुझे नहीं पता। एफआईआर की डेट से इंक्वायरी करोगे, जुर्म करने वाला सबूत मिटाता जाएगा। अगर इसी तरह खून होते रहे तो आम जनता को क्या जवाब देंगे हम लोग? कुछ भी करना पड़े, कोई रास्ता निकालो। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। 24 घंटे के अंदर असली मुजरिम को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डालो और जनता को विश्वास दिलाओ कि शहर सुरक्षित है। ये हो क्या रहा है? तुम्हारा मिनिस्टर मुझे ऑर्डर दे रहा है? सर, मुझे क्या मंत्री का गुलाम समझ रखा है? ये मना करे तो मैं इंक्वायरी बंद कर दूं, और जब ये कहे तो फिर से इंक्वायरी शुरू कर दूं? हाँ, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं मंत्री का बही खाता ऊपर भेज दूंगा। फिर जानते हो क्या होगा? इस गुंडे से मंत्री क्या क्या काम करवाता था सब पता चल जाएगा। और उसके बाद ये मंत्री किसी अधिकारी को फोन पर ऑर्डर देना तो दूर की बात है, लिखित में भी नहीं दे पाएगा। सर, ये सब आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? तुम भी तो हर महीने उसी से रिश्वत लेते हो। सब जानता हूं डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। अब इस केस में क्या करना है मैं दिखाता हूं। कांड कोई और कर रहा है और यहाँ छिपना हमें पड़ रहा है। पुलिस एक एक की बुरी तरह से इंक्वायरी कर रही है। शहर में एक भी लड़का नहीं होना चाहिए, सबको फोन करके बता दिया ना? बोल दिया भाई, लेकिन भीमा का नंबर बंद आ रहा है। क्या बोल रहा है तू? हाँ भाई, मैंने खुद उसका फोन 8-9 बार ट्राई किया। भीमा ने तो नहीं टपका दिया? अभी मंत्री हमारी तरफ नहीं है, इसलिए मैं शांत हूं। जो मुझे करना है वो काम वो कर रहा है। कंधे पे बिठाया तो कान में मूत रहा है। हेलो, बोलो छोटे, भाई से बात करनी है? भाई, सहाय भाई के बेटे हैं। बात क्या है? उन्हें आपसे मिलना है। अकेले आने को बोल उसे, जगह मत बताना, बस स्टॉप पर रुकने को बोल, और तू जाकर लेके आना उसे। ठीक है भाई।
ए, चारों तरफ नजर रखना, पता नहीं कौन कहां से टपक पड़े, ध्यान रखना। हा? ऐसी क्या बात हो गई जो इतना अर्जेंटली मिलना पड़ा? ए, रो मत, जो बात है मुझे बता, मैं देख लूं। भैया, कविता घर से गायब है, उसके सारे दोस्तों से और कॉलेज में सब जगह पूछताछ कर ली है, लेकिन वो कहीं नहीं है। माँ का बहुत बुरा हाल है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। भीमा को उसके बारे में जरूर पता होगा, वो भीमा ही भड़का रहा है उसे। कहाँ है अभी वो? शंकर भाई की तिरह खत्म होने से पहले हमें उसका क्रियाकर्म करना है। मैं ऐसा क्यों हूं? चाकू देखकर हाथ कांपने लगते हैं मेरे। मेरे बाप से पूरा शहर डरता था, लेकिन मैं ऐसा डरपोक क्यों हूं? कल वो मेरे घर आके माँ के सामने मुझे मारने के लिए चाकू निकाल लिया था। क्या कह रहा है तू? हाँ भैया, नीचे से लेके ऊपर तक हिल गया था मैं, सच कह रहा हूं। एक बात कहूं भैया, उसी ने मेरी बहन को उठाया होगा। फोन करो ना उसे, करो ना भैया। उसका फोन बंद आ रहा है। भैया फिर तो वही है, वही है भैया, कंफर्म वही है। तुम्हारी बहन का जब से फोन बंद आ रहा था, मैं तभी समझ गया था। भैया आप खुद मेरे घर पे आके कहा था कि आप मेरे चाचा हैं, बोला था बिना झिझक मांग, बोला था ना भैया, आपको याद है ना? लेकिन आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपको चाचा समझ के मैं मांग रहा हूं। उसे मारकर मेरी मेरी बहन को घर वापस ले आओ, कुछ भी करके मेरी बहन मुझे वापस दे दो। अरे क्या क्या हो रहा है, मुझे चाहिए। आपको अपना समझ कर बोल रहा हूँ, मना मत कीजिएगा भैया। ए, इसे लेकर जाओ, चला जा जा। अरे मेरे किस्मती का मैं किसी काम का नहीं। ए मूर्ति, सहाय भाई को अपना बड़ा भाई और भीमा को छोटा भाई समझा था। जिसने मुझे बनाया और मैंने जिसे बनाया, वो दोनों ही सहाय भाई के नीचे ही बड़े हुए हैं। सुन, हमारे सारे लड़कों को फोन करके बोल, भीमा बचना नहीं चाहिए। ठीक है भाई। सर, शंकर मर्डर केस में इंटेलिजेंस की खबर है कि उसका खून करने वाला भीमा ही है। अभी उनके गैंग में भी प्रॉब्लम है, उनके ग्रुप का रवि भीमा को मारने के लिए बेताब है सर। सब लोग सोच रहे थे कि मिनिस्टर के गुस्से की वजह से आप कोई एक्शन नहीं लेंगे सर, मगर अब तो मिनिस्टर भी खुश हैं कि आप एक्शन ले रहे हैं सर। ऐसा है क्या? हाँ सर, मैं मुजरिम को जल्द ही पकड़ लूंगा, मिनिस्टर को इस बात पर अब जाके विश्वास हो रहा है। हाँ सर। ओके, मुझे भी यही उम्मीद थी। अब मिनिस्टर को विश्वास हो गया है ना, तो इंक्वायरी रोककर
इस केस में एक्शन लेना धीरे धीरे कम कर दो सर। और सुनो, तुम भी इसमें ज्यादा दिलचस्पी मत दिखाओ। इस केस में अभी तक जो मैंने एक्शन लिया है वो मिनिस्टर को अच्छा लगा है। अगर किसी ने यह बात दोबारा कही तो वो विश्वास नहीं करेगा। ये जो शंकर मरा है ना, वो कोई देशभक्त नहीं है, वो भी तो गुंडा ही है। एनकाउंटर हमें करना चाहिए, लेकिन वो आपस में ही लड़कर मर रहे। इसी बहाने हमारे डिपार्टमेंट का सरदर्द तो कम हो रहा है। अब मिनिस्टर से कह दो आराम से तमाशा देखे, ठीक है? जाओ। हेलो जगदीश, भीमा बोल रहा हूँ। अरे भीमा, कहाँ पर हो तुम? शंकर मर्डर केस में अंडरग्राउंड हो। ये क्या कह रहे हो तुम? उसका मर्डर किसने किया है, इस बात का क्लू आज तक डिप्टी कमिश्नर को नहीं मिल पाया। जगदीश, पुलिस को सबूत मिलने का मतलब है उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। अगर वो ना बोले इसका मतलब वो खूनी के पास पहुंच चुके हैं। तो उसके लिए तुम क्यों छुप रहे हो? वो करने वाला मैं ही हूँ। क्या कह रहे हो तुम? वो बाद में बताता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या करना है मुझे बताओ। मेरे घर जाओ और मेरा पासपोर्ट और 20,000 रुपए और मेरी माँ का मंगलसूत्र, ये सारी चीजें मैं जहाँ कहूँ उस जगह पर मुझे लाकर दे सकते हो क्या? बस इतना सा काम है, अभी कर देता हूँ। जगदीश, जल्दबाजी मत करो, इस समय जो हालात है उनके चलते ये काम इतना आसान नहीं है। वो सब कुछ मैं देख लूंगा। देखो, मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या यार, दोस्ती के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा, रख रहा हूँ। जगदीश जरा सुनो, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ, ये बात तुम अपने तक ही रखना। मेरा विश्वास करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? भाई, घर में लाइट ऑन है। खबर पक्की है ना? भीमा ही है भाई, लगता है वो कुछ ढूंढ रहा है। वहां से नजर मत हिलाना, मैं वहीं आ रहा हूँ। सब तैयार रहो। जी,
मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कौन है ये? इसे पहले कहीं देखा है क्या? भाई ये तो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है, शंकर ने भीमा पर जब हमला किया था ना तो इसी ने बचाया था। बेवकूफ, कितनी बार पूछा था ये भीमा है या नहीं पता का ढंग से, क्या भीमा है? ए, उठाओ इसे। भीमा कहाँ है? कहाँ है बता, बोल। ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा अब तू, बता कहाँ है वो, बोल। ए, चाकू से तो मार ही दिया, अब हाथ से मारने से मुझे दर्द नहीं होने वाला। बता बता, बोल कहाँ है, बोल। नहीं पता। बता, नहीं पता, जान से मार दूंगा, बता। नहीं पता मुझे, बता बता, जान चली जाए तब भी नहीं बताऊंगा। जान बख्श दे, मगर उससे बोल देना 10 साल क्यों ना हो जाए उसका सिर काट के उसका शरीर बाजार में घुमाऊंगा और सहाय भाई की बेटी को वापस घर लाऊंगा। रवि भाई ने मेरे दोस्त पर हमला किया ये समझकर कि वो मैं हूं, यानी मुझे मार देते हैं। रवि भाई के खिलाफ इस शहर में कोई भी कुछ बोलता तो मैं उस आदमी की जुबान काट लेता था, लेकिन रवि भाई ने हमेशा ही सहाय भाई को मुझसे ज्यादा समझा। सहाय भाई को रवि भाई क्या मानते थे मुझे नहीं पता, लेकिन रवि भाई को मैं हमेशा अपना बड़ा भाई मानता था और उन्होंने मुझे अपना भाई तक नहीं समझा। इतना ही नहीं, मुझे मारकर रवि भाई उस लड़की की जिंदगी तबाह करने की सोच रहे हैं। अब या तो रवि भाई रहेंगे या मैं, यहाँ से त्रिची का रास्ता 4 घंटे का है ना? भीमा रहने तो, बेचारी वो लड़की यहाँ तेरे भरोसे से आई है, एक बार उससे बात कर ले फिर चले जाना। अगर मैंने जाने के लिए कहा तो कविता जाने नहीं देगी, मेरे जाने के बाद उसे बता देना। Thank you.
गया रे, तू मुझे चाकू दिखाएगा हैं? मुझे मारेगा हैं? देखो रवि भाई सुनो, पास मत आना वरना मार दूंगा। मार ना भाई, मत आओ, मेरी बात मान लो, सच में मार दूंगा। मान जाओ भाई, इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? मार, जिसने चाकू उठाना सिखाया आज उसी पे वार करेगा। हथियार उठाना तुमने सिखाया था, लेकिन उसे चलाना मैंने ही सीखा। ये तुम नहीं जानते थे। सब अजीब हो गया। हाँ। ए, बहुत जलन हो रही है रे, कुछ तो कर, मैं तुझे भाई मानता हूं। तू मुझे मार दे, एक झटके में मार दे, इससे पहले कि कोई और मारे, तू मुझे मार दे भीमा, मार दे अपने हाथों से, सीधा गले में मार दे भाई। हमें कौन किस जगह पर खत्म कर देगा ये हम नहीं जानते। उधार की जिंदगी जीते हैं, हमेशा डरे रहते हैं। किसके लिए हमने ये चाकू उठाया था? आपने अपने लिए उठाया था या फिर मैंने अपने लिए? कहां कहां पर और किस किस के लिए बिना किसी कारण ये चाकू उठाया था हमने? ये एक नशा है भाई, जैसे सिगरेट का नशा, शराब का नशा, गांजा का नशा। जानते हैं सबसे बड़ा नशा क्या होता है? दूसरों के मन में खुद का खौफ पैदा करना, यही सबसे बड़ा नशा है। खाकी वर्दी वाले, सफेद वर्दी वाले हमेशा हमारा इस्तेमाल करके हमें नीचा दिखाते हैं। हमें उठाने कोई नहीं आएगा, हमें ही उठना होगा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम सब ये सारे काम छोड़ देते हैं भाई। हाँ।
पानी पानी पानी। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, मैं हूं ना। अभी उस पवन को मार कर आया हूं मैं। क्यों रे, क्यों किया तूने ऐसा? बस एक ही वार उसकी गर्दन पर तू मार दिया होता तो वो अभी तक मर गया होता और तू यहां का राजा बन जाता। ऐसी जिंदगी जीने के लिए बोल रहा है तू? सुन ये बात, तू क्या, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं रवि भाई पर एक वार और किया होता तो गुंडागर्दी में इस शहर का राजा मैं होता। मगर किसके लिए? जिस किले में हम झंडा फहराने की सोच रहे थे वो किला झूठा है, एक छलावा है। सपने में जी रहे थे हम, एक झूठे किले के राजा से तो अच्छा है कि हम अपने घर में एक नौकर ही बने रहे। अच्छा बता, एक जिंदगी का फैसला कहां होता है? इंसान की मौत पर। पता है एक अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है? हमारे होने वाले बच्चे हमारा नाम लेने से डरे नहीं, सिर उठाकर वो दूसरों से बोल सकें, जानते हो मेरे पापा कौन है? वो ही हमारी पहचान है। इस शहर के असली राजा पता है कौन है? ये देखो, इस मस्जिद के अंदर और वहां उस चर्च के अंदर, वो वहां उस ऊंची पहाड़ी के अंदर मंदिर में बैठकर ये सारा का सारा नाटक देख रहे हैं। वो ही असली राजा है और हम इस बात को नहीं समझते। तुम जानते हो हमें देखकर जो लोग सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं हमें, वही लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। आज नहीं तो कल तुझे मेरी ये बात समझ में जरूर आएगी। जिस दिन समझ में आ जाए यह रास्ता छोड़कर बाहर निकल जाना, मैं वहीं पर तेरा इंतजार करता मिलूंगा। अगर हमें ऊपर उठना है तो ये बात हमें ही समझनी होगी, दूसरा कोई नहीं समझाएगा। बेहतर है तू भी समझ जा।